points. Okay, so we can write the smaller numbers are smaller numbers here is 2 and bigger number here 8. Okay, then next look at this. There is 77 and 59. So from that 77 and 59, which number is bigger or which number is smaller? 77 and 59. 59. After 59, this we get 60. Okay. Then after 60, we add 10 number. Then we get 70 and 70 plus 7. If we add 7, then we get 77. So we have to there 59. So there we add in 59 plus 18, then we get the 77. Okay, so which number is greater and which number is bigger and which number is small? So obviously 59 is a smaller number and 77 is bigger numbers. Same as in the next box, we can easily find out the smaller and bigger number. Here is 39 and 9, two numbers are given. So 9 is a very small number compared to 39. Yeah, really. So look at the so we can write the smaller number is 9 and bigger number is 39. Okay, then next table there is given 67 and 32. These are the two numbers in last table. So 32 is a smaller number compared to 67. Yeah, so smaller number is 32 and bigger number is 67. Okay, so now we complete this table. So hum kaise read karenge agar dekho yahan pe 8 और 2 नंबर है. ओके, 8 और 2 नंबर्स है. सो यहाँ पे 8 बिगर नंबर है. 8 इज बिगर नंबर है. तो बिगर दिखाने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? देखो, 8 इज ग्रेटर देन 2. अगर कोई नंबर बिगर होता है तो इसे इस तरह से हम सिंबल देते हैं. ओके, वही अगर देखो यहाँ पे 77 एंड 59 है, 59 है एंड 77 है. तो बिगर नंबर कौन सा है? 77 है. तो हम इस तरह से सिंबल देंगे. ओके, सो लुक एट दिस. दिस 8 इज ग्रेटर देन 2. सो हाउ वी रीड इट? 8 इज बिगर देन 2. हम कैसे रीड करेंगे इसे? 8 इज बिगर, बड़ा है वो. 8 इज बिगर देन 2. सो लुक एट दिस. 8 is bigger than 2. 8 2 से भी बड़ा है. इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं. और यहाँ पे देखो 59 स्मॉल है 77 से. तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 59 स्मॉलर than 77. इस तरह से हम लिखेंगे. ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं. अगर हमें हमने अभी टू डिजिट वाले नंबर देखे हैं. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टू डिजिट नंबर. इफ वी हैव टू गिवन द थ्री डिजिट नंबर्स. ओके, सो हाउ वी कैन फाइंड आउट द बिगर एंड स्मॉलर नंबर्स. सो लुक एट दिस. अगर इन स्मॉलर और बिगर नंबर हमें फाइंड आउट करना है थ्री डिजिट नंबर के, तो हम क्या करेंगे? इफ 99 इज अ बिगर नंबर इन टू डिजिट नंबर्स. बिगर नंबर है. सो प्लस 1, इफ वी ऐड द 1 इन द 99, देन वी गेट 100. 100 वी गेट 100. देन नाउ वी say that the 99 is a bigger number in two digit numbers, then and we add one number, then we get the three digit number. So obviously we can say that the 99 is a smaller number, smaller than 100. Okay, so two digit numbers is
always less than 100. Okay, 3-digit numbers. Similarly, 1-digit number is less than 2-digit number. अगर 2-digit number 3-digit number से छोटा होता है तो obviously 1-digit number 2-digit number छोटा होगा obviously. So then next one example देखते हैं. हाँ, 500 और 800 3-digit number देख रहे हैं अभी हम. तो 500 और 800 में कौन सा नंबर बिगर और कौन सा नंबर स्मॉल है कैसे देखेंगे हम. देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस में और टेन प्लेस में कौन सा नंबर है, 00 है. तो हमें कौन सा नंबर देखना पड़ेगा, 100 प्लेस पे जो नंबर है वो देखना पड़ेगा. 100 प्लेस में कौन सा नंबर है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 5 है. सो नाउ वी हैव हाउ वी कैन राइट द स्मॉलर एंड बिगर नंबर. वी हैव टू नो 8 इज ग्रेटर देन 5. या इट इज ग्रेटर देन 5. सो 500 इज लेस स्मॉलर देन 800. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इफ वी टेक 512 लेस देन, नो सॉरी, 511 and next number is 541. Okay, we have take this number. Look at this. This is the 3-digit numbers here. Yeah? Okay, look this. So हमें अगर स्मॉलर और बिगर दिखाना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो यूनिट प्लेस वाला वैल्यू चेक करेंगे, देन 10 प्लेस वाले वैल्यू चेक करेंगे, देन 100 प्लेस वाले वैल्यू चेक करेंगे. तो यहाँ पे देखो 100 प्लेस में तो सेम नंबर दिख रहा है, हमें दिख रहा है सेम नंबर, 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है. तो हमें कौन सी वैल्यू देखनी पड़ेगी. देन नेक्स्ट देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे, देखो यूनिट प्लेस में भी 1 है और यहाँ पे भी यूनिट प्लेस में 1 है. तो हमें कौन सी वैल्यू देखनी पड़ेगी, फिर 10 प्लेस वाली वैल्यू देखनी पड़ेगी. तो 10 प्लेस पे देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है. तो 4 या और 1 में से कौन सा बिगर नंबर है, 4 नंबर बिगर है. तो नंबर कौन सा बिगर हो गया, या 3-digit में जहाँ हमें नंबर लिखना है तो कौन सा नंबर बिगर हो गया, ये 4 जिस नंबर में 4 है वो नंबर बिगर होगा. तो हमें यहाँ पे 511 इज स्मॉलर देन 541. इस तरह से हमें हम स्मॉलर और बिगर नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.